सवाल सिर्फ एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने भर का नहीं है, सवाल दायरों को लेकर उठ रहे हैं। वो सिस्टम जिससे देश चलता है उसमें आखिर कौन कहां खड़ा है, ये बहस इसलिए उठ रही है क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति की मंजूरी से लगे प्रेसिडेंट रूल को खत्म कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंची और अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब ये हुआ कि हरीश रावत फिलहाल उत्तराखंड के सीएम नहीं हैं और उत्तराखंड का राजनीतिक भविष्य अब 27 अप्रैल को तय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरांचल हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। उसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी। उत्तराखंड में 18 मार्च को राजनीतिक संकट उस वक्त शुरू हुआ जब कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी। राज्यपाल ने हरीश रावत सरकार को 28 मार्च तक विश्वास मत हासिल करने को कहा था। उससे पहले 27 मार्च को ही केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। 27 तारीख को उन्होंने कहा कि हम मैरिट पे, क्योंकि हमारे पास जजमेंट की हाईकोर्ट के निर्णय की कॉपी नहीं है, इसलिए मैरिट पर हम सुनवाई नहीं कर सकते, हम मैरिट पर सुनवाई करेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि ये मामला मैरिट पर निर्णित हो जाए, जल्दी निर्णित हो जाए। नहीं, हमें अपेक्षित था कि सुप्रीम कोर्ट इस पे निर्णय देगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को रेमेडी दी जो कि विधायकों की खरीद फरोख्त करते हुए सीधे पकड़ाए, स्टिंग ऑपरेशन, मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर ही वो मुख्यमंत्री बन गए, कैबिनेट का बैठक भी बुला लिए, निर्णय भी ले लिए, स्वयंभू नेता है वो। मुद्दा ये है कि आखिर आर्टिकल 356 के इस्तेमाल को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है। सवाल ये भी है कि क्या अधिकार क्षेत्र के दायरे को भी लांघा जा रहा है। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट। क्या उत्तराखंड में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब मामला लीगल ज्यूरिडिक्शन का है। पहले राष्ट्रपति की मंजूरी से प्रेसिडेंट रूल लगता है, फिर हाईकोर्ट इस फैसले पर रोक लगा देता है और हरीश रावत आनन फानन में ही कैबिनेट की बैठक भी कर लेते हैं और फिर आता है सुप्रीम कोर्ट का बयान और फैसला जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दी जाती है। यानी कल का दिन कांग्रेस का, आज का दिन बीजेपी का और उत्तराखंड में फिर से राष्ट्रपति शासन लग जाता है। सवाल ये है कि आखिर आर्टिकल 356 यानी आर्टिकल 356 पर इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों है? इसी मुद्दे पर आ जाइए हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट। उत्तराखंड में आर पार, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, उत्तराखंड क्राइसिस और साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है, विद अ बिग क्वेश्चन मार्क। और आज की इस डिबेट में मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के और मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और नेशनल स्पोक्सपर्सन अनिल बालूनी। स्टूडियो में लाइव और एक्सक्लूसिव हरक सिंह रावत जुड़ेंगे, रेबल कांग्रेस लीडर सुधीन भदौरिया है स्पोक्सपर्सन बहुजन समाज पार्टी के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए सुभाष कश्यप है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए, तो एक बड़ा पैनल मौजूद है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और किशोर उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रेसिडेंट है उत्तराखंड कांग्रेस के और अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं जो इस समय जानने जरूरी है, लाजमी है जो जानने। सवाल संवैधानिक दायरे का है और ये सवाल क्यों है आपको मैं समझाता हूं, बताता हूं। प्रेसिडेंट की मंजूरी से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया, ये आज और कल में हुआ। इसके बाद आर्टिकल 356 के इस्तेमाल पर इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्यों है इतना कंफ्यूजन? दूसरी बड़ी बात जो कि इससे में इंपॉर्टेंट है जाननी, क्या अधिकार क्षेत्र के दायरे को लांघा जा रहा है, क्या अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ के बातें हो रही हैं? और
आखिरी पॉइंट जो कि इस समय इंपॉर्टेंट है, क्या उत्तराखंड में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति इस समय बनी हुई है, ये आज की बड़ी खबर है। और मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट है, लेकिन इस डिबेट की शुरुआत मैं अनिल बालूनी से करता हूं जो कि खुद उत्तराखंड से आते हैं। बालूनी साहब, सीधा सवाल आपसे, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, सेटबैक था सेंटर के लिए एक बड़ा जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उस फैसले पे स्टे लगा दिया। और इसी बीच आनन फानन में हरीश रावत ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कैबिनेट की एक मीटिंग भी कर ली और कुछ बड़े फैसले भी ले लिए। व्हाट इज योर टेक अनिल बालूनी? इट इज अ होम स्टेट। देखिए अमित जी, एक तो आपने कहा कि उत्तराखंड में सरकार ने मुंह की खाई। आप ये बताइए अमित जी, अगर एक राज्य के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है, संवैधानिक संकट पैदा होता है, और मैं प्रूव करूंगा अपनी डिबेट पे इस बात को कि कैसे संवैधानिक संकट था, अगर होता है तो केंद्र सरकार क्या करेगी? क्या केंद्र सरकार अपने दायित्व को भूल जाएगी? क्या केंद्र सरकार जो ड्यूटी बाउंड है अपने काम करने के लिए वो नहीं करेगी? पर ड्यूटी क्या निभाई आपने वहां पर? मैं बताता हूं आपको। चलिए, हरीश रावत का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि आपने आनन फानन के अंदर प्रेसिडेंट रूल वहां लगवा दिया। ठीक है, आपके दर्शक तय करें, मैं बताता हूं। ये बताइए कि अगर विधानसभा के अंदर फाइनेंस बिल पर वोटिंग होती है और अधिकांश लोग 35 लोग लिखित में कहते हैं कि हमको मतदान चाहिए, हमको डिवीजन चाहिए, और स्पीकर कहता है मैं डिवीजन नहीं करूंगा, और उसके बाद आप विधानसभा की आप जो वहां की कामकाज की जो लिस्ट है उसको देखिएगा, वहां की जो पूरे मिनट्स उसको देखिएगा, उसमें साफ लिखा है कि लोग खड़े हो गए और कहा डिवीजन चाहिए। बताइए अमीश जी, कल के बाद क्या होगा? क्या कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी स्पीकर, चाहे 10 लोग इधर हो 50 लोग उसके खिलाफ हो, क्या वो मतदान उसके वो कहेगा नहीं मैं मतदान नहीं कराता हूं? तो ये संभव है क्या? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू सुधीन भदौरिया, मेरे साथ भदौरिया साहब जुड़े हुए हैं इस समय, मैं उनका रुख करता हूं। भदौरिया साहब, विपक्ष थोड़ा खुश है, अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट तक कर दिया कि नल एंड वॉयड, मोदी सरकार हमारे कई फैसले करती है, एक फैसला उनका नल एंड वॉयड हो गया जो हाई कोर्ट ने कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को एक तरह से नल एंड वॉयड कर दिया टेम्परेरी तरीके से 27 तारीख तक स्टे लगाकर। व्हाट इज योर टेक एंड व्हाट इज योर रिएक्शन टू अनिल बालूनी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन? मिस्टर भदौरिया, ओवर टू यू। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ा फैसला इस देश के अंदर एसआर बोमई केस के अंदर आया है, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है वो भी, और 9 जजेस की बेंच ने वो फैसला दिया था, एक जज, दो जज, तीन जज, चार जज, पांच जज की बेंच ने नहीं दिया, और 9 जजों की बेंच का ये फैसला था, और उन्होंने कहा है कि अगर तय होना है कि सरकार अल्पमत में है कि बहुमत में है, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा। वाजिब बात, एसआर बोमई केस को कोट कर रहे हैं। मैं जवाब दूंगा। नहीं नहीं, देखिए अमित जी, मैं जवाब दूंगा। मिस्टर बालूनी, यू विल गेट अ चांस। ओके, लेट भदौरिया रिप्लाई, लेट सुधीन भदौरिया रिप्लाई। नहीं, मैंने अभी समाप्त नहीं किया। ओके मिस्टर भदौरिया, गो अहेड, गो अहेड मिस्टर भदौरिया। जरा सा दो देखिए, ऐसा है, इसके बाद देश के अंदर इस तरह के कई संकट आए हैं और पहले भी कोशिशें हुई हैं, ऐसा नहीं है एसआर बोमई के पहले नहीं। ये जो केंद्र की सरकारें हैं, ये संविधान को किनारे रखकर, ताक पर रखकर, जो राज्यों में सरकार हैं, कहने को हम फेडरलिज्म है, हम संघ में हम विश्वास करते हैं, गणतंत्र में विश्वास करते हैं, पर जिस तरह से केंद्र की सरकार आज और पहले भी कई मौके आए हैं, जी जी, राज्य की सरकारों जवाब ओके गिराने की कोशिश की, वो शर्मनाक था, और संविधान की वो हत्याएं हुई थी, और आज फिर मैं कह सकता हूं।